हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। Show that the given equation is homogeneous and solve it. पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें शो करना है कि इक्वेशन होमोजीनियस है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए, होमोजीनियस शो करने के दो तरीके हैं, हम सिर्फ एक ही मेथड को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा मेथड है देखिए, दिस इंप्लाइज एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, y dx square root of x square plus y square dx, y dx राइट में गया था पॉजिटिव हो गया, x dy dx कॉमन लेंगे, y plus x square root of x square plus y square dx कॉमन आ गया, तो this implies dy by dx y plus square root of x square plus y square divide by x। अब होमोजेनियस हम कैसे शो करते हैं, हम इसको एफ एक्स वाई मानते हैं। लेट एफ एक्स वाई, होमोजेनियस शो करने का बहुत ही आसान तरीका है, एक्स को हम रिप्लेस करते हैं लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से। ये मेथड थोड़ा लेंथी है बट इजी है, और जो सेकंड मेथड है उसमें कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए हम इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो y को x को लैम्डा x पुट करेंगे, y को लैम्डा y, तो लैम्डा y प्लस x की स्क्वायर, तो लैम्डा की स्क्वायर x की स्क्वायर हो जाएगा और y लैम्डा की स्क्वायर y की स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई x, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा y प्लस, यहां पे लैम्डा की स्क्वायर को मना रहे हैं तो बाहर क्या आएगा लैम्डा हो जाएगा, तो सॉरी x को लैम्डा x पुट किए प्लस लैम्डा, अंदर बचा x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर बाई लैम्डा x, लैम्डा कॉमन आ गया ऊपर, तो y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा x, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर सकते हो आप, या लैम्डा के ऊपर पावर जीरो लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर 1 है नीचे की पावर 1 है, तो लैम्डा की 0 हो जाएगा, और जो ये हमारे पास बचेगा ये क्या है हमारा एफ एक्स वाई। According to the definition, जो ये function है हमारा कितने degree का homogeneous function है, 0 degree का है, तो इसका मतलब given equation is homogeneous. This implies given equation is homogeneous. हमने जो question number 1 से 5 है उनमें भी इसी तरीके से homogeneous show किया था differential equation को। अगर paper में आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है find the solution of this differential equation, तो ये पार्ट करने की हमें जरूरत नहीं है, यहां से स्टार्ट करने पुट y इक्वल टू vx सॉल्यूशन निकालने का प्रोसीजर है, तो दिस इंप्लाइज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू v इनटू 1 प्लस x dv by dx, डिफरेंशिएट कर दिया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, put values of y and dy by dx in equation first, so this implies v plus x dv by dx is equal to y ko vx put kiye plus v ki square x ki square ho jayega divide by x, this implies v plus x dv by dx डिवाइड बाई डीएक्स की वैल्यू रख दी, वाई को वी एक्स पुट किया है, वी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वी एक्स है, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक्स है, तो यहां पे वी एक्स प्लस एक्स की स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स की स्क्वायर अंदर को मन आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक्स बन जाएगा, तो अंदर बचेगा वन प्लस वी स्क्वायर बाई एक्स, एक्स ऊपर को मन आ जाएगा न्यूमरेटर में, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, v से v कैंसिल हो गया, x dv by dx square root of 1 plus v square,
ये जो हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट हो गई। यहां से वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डीएक्स बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसको यहां से रब करें, इसका इंटीग्रेशन हमने एक्सरसाइज 7.4 में किया है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। तो दिस इंप्लाइज लॉग वी प्लस, यहां पे वेरिएबल वी है, वेरिएबल सेपरेट हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में v की टर्म आ गई और राइट में हमारी x की टर्म आ गई, तो log v प्लस जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू log मोड x प्लस log मोड c, लिख देते हैं हम इसको, c लिखो, c भी कांस्टेंट होता है, log c भी क्या है हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि पूरा हमारा log में है तो log c लिख दिया हमने। तो दिस इंप्लाइज log y की v की वैल्यू, y को हमने क्या पुट किया vx, तो यहां से v हमारा क्या हो जाएगा y by x, 1 plus y by x की स्क्वायर, तो y स्क्वायर by x की स्क्वायर हो जाएगा, this is equal to log mod cx, this implies log mod y by x plus x square LCM आ गया, तो ये हो गया x square plus y square by x square is equal to log mod cx, तो दिस इंप्लाइज दोनों तरफ लॉग है, तो ये हो जाएगा हमारा वाई बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू सी एक्स, तो दिस इंप्लाइज एक्स एलसीएम आएगा, तो वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, दिस इंप्लाइज वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी x square, required solution. देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन को हमें होमोजेनियस शो करने हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, x into cos of y by x plus y sin of y by x into y dx is equal to y sin y by x minus x cos y by x x dy. पहले हम dy by dx निकालेंगे, this implies इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy वाली टर्म इधर लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin xy sin y by x minus x square cos y by x dy is equal to, लेफ्ट में जो उसको राइट में लिखेंगे क्योंकि dx की टर्म है, y से मल्टीप्लाई किया xy, xy cos y by x और प्लस y square sin of y by x dx, तो दिस इंप्लाइज dy by dx आ गया हमारा, dy by dx इज इक्वल टू xy cos y by x plus y square sin y by x divided by xy sin y by x minus x square cos of y by x, इसको हम fxy मान लेंगे और होमोजेनियस फंक्शन दिखाएंगे 0 डिग्री का होमोजेनियस शो करने के लिए, लेट fxy is equal to x co y cos y by x plus y square sin y by x by x y sin y by x minus x square cos y by x, तो x को replace करेंगे f lambda x से, y को lambda
वाई से, एक्स को लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई कॉस, वाई को लैम्डा वाई और एक्स को लैम्डा एक्स, प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई साइन लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स, दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई कॉस, लैम्डा से लैम्डा कट गया वाई वाई बाई एक्स, प्लस लैम्डा की स्क्वायर, देखिए लैम्डा की स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है, यहां पे भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, तो लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स और माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स, लैम्डा स्क्वायर ऊपर कॉमन आ रहा है, नीचे भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, तो लैम्डा की लैम्डा स्क्वायर और नीचे भी लैम्डा स्क्वायर है, तो हमारे पास ये बच गया लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचा हमारे पास एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स बाई एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स, सेम जो स्टार्टिंग में फंक्शन था एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब कहेंगे सर लैम्डा की जीरो कहां गया, लैम्डा की पावर जीरो, वो आप इसके साथ वन है तो लैम्डा की जीरो लिख सकते हैं आप, क्योंकि लैम्डा की स्क्वायर यहां पे भी कॉमन आएगा, यहां पे भी लैम्डा की स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या बन जाएगा, ऊपर पावर माइनस होगी तो लैम्डा की जीरो बन जाएगा, तो ये फंक्शन हमारा कितने डिग्री का आ गया, जीरो डिग्री का, दिस इंप्लाइज गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसको रब कर देते हैं, अगर पेपर में सिर्फ ये बोला जाता है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने सिर्फ सॉल्यूशन स्टार्ट करना, पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, पुट वाई इक्वल टू वी एक्स यहां से स्टार्ट करना है, तो दिस इंप्लाइज डिफरेंशिएट करेंगे डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करेंगे तो वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई को हमने वी एक्स पुट किए कॉस, देखिए वाई बाई एक्स, इसका मतलब वाई बाई एक्स का हो जाएगा, वी हो जाएगा, वाई को वी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वी लिख देंगे हम, ठीक है, वाई को हम क्या पुट कर रहे हैं वी, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई को वी एक्स पुट कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, वाई को वी एक्स पुट करेंगे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा साइन वी एक्स वाई, एक्स वाई हमारा वी एक्स साइन वी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वी, वाई बाई एक्स क्या बन रहा है, वी बन रहा है, दिस इंप्लाइज वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की स्क्वायर कॉमन आ रहे, जो पावर एक्स की ऊपर कॉमन आएगी वही डिनोमिनेटर में कॉमन आएगी, हाईएस्ट पावर एक्स की दो है, एक्स की दो कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचा, वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी डिवाइड बाई वी साइन वी माइनस कॉस वी, तो दिस इंप्लाइज एक्स डीवी बाई डी एक्स, वी ट्रांसपोज होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, वी साइन वी माइनस कॉस वी माइनस वी, दिस इंप्लाइज एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी साइन वी और माइनस कॉस वी हमारा एलसीएम आ गया, या हमारे पास v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस v cos v,
कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, v cos ये कैंसिल हो रहा है, तो आगे 2v cos v, तो दिस इंप्लाइज x dv by dx इज इक्वल टू 2v cos v डिवाइड बाय v sin v माइनस cos v, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v sin v माइनस cos v डिवाइड बाय v cos v, 2 को हम राइट में रख लेते हैं 2, और x इधर आएगा नीचे आ जाएगा, और dx ये हो गया हमारे वेरिएबल सेपरेट। इंडिकेटिंग बोथ साइड्स v sin v माइनस cos v डिवाइड बाय v cos v dv इज इक्वल टू, 2 तो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, दिस इंप्लाइज इसको डिकम्पोज कर लेंगे, अलग अलग लिखेंगे, v से v कैंसिल होगा, sin v by cos v tan v माइनस cos v डिवाइड बाय v cos v, तो बचा 1 by v, वन बाई एक्स डी एक्स। टेन वी का इंडिकेशन क्या होता है, लॉग मोड सेक वी हो जाएगा, और माइनस लॉग मोड वी इज इक्वल टू टू लॉग मोड एक्स प्लस लॉग मोड सी, पूरा आंसर हमारा लॉग में है तो लॉग मोड सी लिख देते हैं हम, यू कैन राइट सी ओनली, तो दिस इंप्लाइज लॉग मोड सेक वी की वैल्यू वाई बाई एक्स माइनस लॉग मॉड वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, इस x को हम n log m, log m की पावर n, तो log x क्यों लिख सकते हैं हम इसको, और प्लस log mod c, तो दिस इंप्लाइज log m माइनस n, log m बाई n हो जाएगा ये sec y बाई x by y by x is equal to, यहां पे log आएगा log m plus n log m into n, this implies दोनों तरफ log है तो ये क्या बना हमारे पास sec y by x, y by x उधर multiply में चला जाएगा, y by x log से log हट जाएंगे तो ये हो जाएगा y by x into c x square, तो दिस इंप्लाइज x से x कटेगा, तो दिस इंप्लाइज sec y by x इज इक्वल टू x कटा तो बचा हमारे पास सी एक्स वाई विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, कैसे करेंगे देखिए, x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y उधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x sin y by x, हमें निकालना है dy by dx, तो dy by dx is equal to y minus x sin y by x by x, होमजेनियस आप शो कर सकते हैं, बहुत आसान है, सॉल्यूशन पार्ट करते हैं हम स्टार्ट, put y is equal to vx, तो दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to v into 1 plus x dv by dx, put values of y and dy by dx in equation 1, so this implies dy by dx की value put करेंगे तो v plus x dv by dx is equal to y की value हमने put की vx minus x sin y को vx put करेंगे vx by x, यानी कि v आ जाएगा हमारे पास by x, तो this implies v plus x dv by dx is equal to, numerator में x common आ रहा है नीचे भी x है तो cancel हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास v minus sin v, v से v cancel तो x dv by dx is equal to minus sin v, और ये आ गई हमारी variable separable form, तो ये आ जाएगा हमारा 1 by sin v dv is equal to minus dx by x, integrating both sides, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट किया तो दिस इंप्लाइज 1 by sin v is equal to minus dx by x, तो 1 by sin v
तो यू कैन राइट कोसेक वी माइनस डीएक्स बाई एक्स. कोसेक वी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, कोसेक एक्स का लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स. तो एक्स यहां पे क्या वी है, कोसेक वी माइनस कॉट वी. और ये आ गया हमारा माइनस लॉग मॉड एक्स और प्लस लॉग मॉड सी. तो दिस इंप्लाइज वी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे बाई वाई बाई एक्स. तो लॉग इसको लिख सकते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन बाई साइन वी माइनस कॉस वी बाई साइन वी इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन सी बाई एक्स आ जाएगा ये. तो दिस इंप्लाइज लॉग क्या गया, वन माइनस कॉस वी बाई साइन वी इज इक्वल टू लॉग मोड सी बाई एक्स. तो दिस इंप्लाइज दोनों तरफ लॉग है, वन माइनस कॉस वी बाई साइन वी इज इक्वल टू सी बाई एक्स. अब वी की वैल्यू पुट कर देंगे, y किसके इक्वल है, vx के. तो v हो जाएगा हमारा cos y by x sin y by x is equal to c by x since y किसके इक्वल था vx के. तो this implies x into 1 minus cos y by x is equal to c sin y by x which is the required solution. Question number 9, y into dx प्लस एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी वाई माइनस टू एक्स डी वाई इज टू जीरो. होमोजेनियस शो कर रहे हैं और इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो दिस इंप्लाइज वाई की टर्म हम लेफ्ट में रखेंगे क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. तो यहां से हमारे पास एक्स लॉग ऑफ वाई बाई एक्स माइनस टू एक्स डी वाई हमने कॉमन ले लिया और दिस इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स. This implies dy by dx निकालेंगे तो dy by dx is equal to minus y by x log y by x minus 2x. और you can write dy by dx, अगर माइनस को हम नीचे कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y by 2x minus x log. बड़ी आसानी से आप इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो कर सकते हैं. सॉल्यूशन पुट y इक्वल टू vx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू v इनटू 1 प्लस x dv बाय dx. पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1. y और dy बाय dx की वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 this implies v plus x dv by dx is equal to y को हमने vx put किया है 2x minus x log y by x यानी कि v हो जाएगा x. numerator में भी common आ रहा है और denominator में भी common आ रहा है. तो this implies v plus x dv by dx is equal to v by 2 minus log v. और this implies x dv by dx is equal to v by 2 minus log v minus v. So this implies x dv by dx 2 minus log v is same aa gaya v minus 2v plus v log v. So this implies ye bacha hamare paas v log v minus v. So this implies x dv by dx is equal to v log v माइनस वी डिवाइड बाई 2 माइनस लॉग वी. इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गई तो 2 माइनस लॉग वी वी लॉग वी माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 2 माइनस लॉग वी v हम यहां पे कॉमन ले लेंगे log v माइनस 1 dx बाई x.
अब इसका इंटीग्रेशन देखिए हम कैसे निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन निकालने के दो तरीके हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, क्योंकि देखिए यहां पे लॉग वी है, लॉग वी की पावर वन, यहां पे भी लॉग वी, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, टू को लिखें वन प्लस वन माइनस लॉग वी, वी लॉग वी माइनस वन डी वी इजल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारा क्या लॉग वी माइनस वन, और डिनोमिनेटर में भी वही हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, कैसे देखिए वन यू कैन राइट, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया वन प्लस का है तो माइनस का हो गया माइनस, और ये हो गया लॉग वी प्लस का हो गया, लॉग वी हमारा किसका हो गया प्लस का हो गया, और जो वन है माइनस का हो गया। देखो वन माइनस लॉग वी माइनस माइनस प्लस, तो वही आ गया वन प्लस वन और माइनस लॉग वी, क्योंकि हमने लॉग वी माइनस वन बनाना था क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, और दिस इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू वी डीएक्स बाई एक्स। सिर्फ हमने क्या किया है, टू को ब्रेक किया वन प्लस वन में, ठीक है, हमें ये वन माइनस लॉग वी है, और हमें क्या चाहिए लॉग वी माइनस वन, क्योंकि डिनोमिनेटर में लॉग वी माइनस वन है इसलिए माइनस यहां पे हमने कॉमन ले लिया, तो ये लॉग वी बन गया प्लस का, और वन प्लस का तो माइनस का हो गया। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, वन बाई वी लॉग वी माइनस वन डी वी माइनस लॉग वी माइनस वन डिवाइड बाई दिस, तो इसको इससे डिवाइड किया तो वन बाई वी बचा हमारे पास, इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इसके दो इंटीग्रल्स बन गए, वन बाई वी लॉग वी माइनस वन, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वन बाई वी लॉग वी माइनस वन, ठीक है। देखिए दूसरा तरीका से मैं बता रहा था डिवाइड कैसे करते हैं आप, ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर को आप डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, ठीक है, जब डिवाइड करते हैं तो वेरिएबल्स पहले लिखें कॉन्स्टेंट बाद में, और किससे डिवाइड करते हैं वी लॉग वी माइनस वी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ऊपर आता है हमारा माइनस वन बाई वी, तो माइनस लॉग वी और माइनस माइनस प्लस प्लस वन बच गया, माइनस वन हो गया ये, और ये कट गया तो ये आ गया हमारे पास वन। तो इसको लिखते हैं हम, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते तो क्या आता, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर, यही लिखते हैं। तो देखिए सेम चीज है, कोशेंट माइनस वन बाई वी, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर, यानी कि ये चीज इसको आप ऐसे लिखते हैं माइनस वन बाई वी प्लस वन बाई वी लॉग वी माइनस वी, सेम चीज आ गई माइनस वन बाई वी और प्लस वन बाई वी, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा लॉग वी माइनस वन ही बन जाएगा, सेम चीज है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर फंक्शन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लॉग वी माइनस वन, यानी कि लॉग वी माइनस वन को टी पुट कर दो, या बगैर पुट किए हम इसको इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, कैसे, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, देखिए लॉग वी माइनस वन ऊपर उसका डेरिवेटिव कितना वन बाई वी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग मॉड एफ एक्स होता है लॉग वी माइनस वन, और पुट कर सकते हैं लॉग वी माइनस वन को आप टी पुट कर सकते हैं वन बाई वी, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस लॉग मॉड वी इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी लॉग सी लॉग एम माइनस एन लॉग एम बाई एन लॉग लॉग वी माइनस वन बाई वी इक्वल टू लॉग सी इंटू एक्स। इसको यहां से रफ करना पड़ेगा, देखिए दोनों तरफ लॉग है, दिस इंप्लाइज लॉग वी माइनस वन बाई वी इज इक्वल टू सी एक्स, और वी की वैल्यू पुट करेंगे लॉग वी माइनस वन इज इक्वल टू वी इंटू सी एक्स, और वी को रिप्लेस करेंगे वाई बाई एक्स से, माइनस वन वाई बाई एक्स इंटू सी एक्स
ये से कैंसिल हो गया x से x, दिस इंप्लाइज log, log हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होते हैं, log पॉजिटिव y by x लिखना चाहे तो आप मोड में लिख सकते हैं इसको, माइनस वन इज इक्वल टू सी वाई, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व इट। 1 प्लस ई रेज द पावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस ई रेज द पावर एक्स बाई वाई इंटू वन माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप है हमारी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जहां पे एफ एक्स वाई हमारा क्या होता है, होमोजेनियस फंक्शन होता है ऑफ डिग्री जीरो। इस टाइप के क्वेश्चंस हम एक से लेकर नौ तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के थे। जो दूसरी टाइप है हमारी डी एक्स बाई डी वाई एफ ऑफ एक्स वाई, जहां पे एफ एक्स वाई क्या है, हमारा होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री जीरो। दो टाइप की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, फर्स्ट सेकेंड। हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप का है। इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पुट करते हैं हम, पुट y इक्वल टू वी एक्स। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस टाइप की है तो यहां पे पुट करते हैं हम, पुट x इक्वल टू वी वाई। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारा क्वेश्चन है इस टाइप की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप का है या इस टाइप का है। देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन एक से लेकर नौ तक किए हैं वो इस टाइप के किए हैं, हम चाहे तो इस टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उनको हम dx by dy की टाइप के बना सकते हैं। तो पुट आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वी वाई। बट कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस बन जाता है कि आपको इस टाइप की या इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए e रेज द पावर x बाई वाई, वो केस वहां पे बनेगा जहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और उनके साथ y बाई एक्स हो या x बाई वाई हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया हुआ है, उसकी जो पावर है e की पावर x या e की पावर y ना होके x बाई वाई की फॉर्म में है, x बाई वाई हो या y बाई एक्स में हो। ठीक है, जैसे ये होता है जैसे log x बाई वाई। ठीक है, तो वहां पे पर्टिकुलर बन जाता है कि हमें अगर x बाई वाई में होगा तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर y बाई एक्स की फॉर्म में होगा तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम y को vx क्यों पुट करते हैं, इसमें x को vy क्यों पुट करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने के दो तरीके हैं। दूसरा तरीका यह है जहां पर यह फंक्शन एफ एक्स वाई है, अगर हम इसको दिखा दें ये हमारा dy by dx के फंक्शन ऑफ y by x में है, क्योंकि हम जो ये फंक्शन ऑफ x एंड y है राइट हैंड साइड, क्योंकि इसको हम y by x के फॉर्म में लिख सकते हैं, अब फंक्शन ऑफ y by x, यानी कि y by x को भी पुट करते हैं, और यहां पे हम ये जो fxy है इसको हम ए फंक्शन ऑफ x by y की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट में ही किया था कि हमने राइट हैंड साइड को किस में लिखा था, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, इसलिए वी पुट करते हैं। देखिए यहां पे भी देखिए आप x बाई वाई है जैसे मैंने बताया है, क्योंकि हम इसको राइट हैंड जो साइड है हमारी फंक्शन ऑफ x एंड y है उसको हम x बाई वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम x को वी वाई पुट करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है x बाई वाई को हम वी पुट करते हैं। तो dx बाई डी वाई की फॉर्म में है ये हमारी, 1 प्लस e रेज द पावर x बाई वाई dx इज इक्वल टू माइनस e रेज द पावर x बाई वाई 1 माइनस x बाई वाई dy। तो दिस इंप्लाइज dx बाई डी वाई।
तो ये हमारा dx by dy, या पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 प्लस e रेज द पावर x by y dx, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा e रेज द पावर x by y माइनस 1 dy। तो यहां से हम dx by dy निकालेंगे, तो e रेज द पावर x by y माइनस 1 1 प्लस e रेज द पावर x बाई वाई। देखिए जो हमारा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई था, इस राइट हैंड साइड को दिस इज द फंक्शन ऑफ x बाई वाई, दिस राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ x बाई वाई। अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को dx by dy is equal to fx y है, और इस fx y को अगर हम a function of x by y की या a function of y by x की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होगा हमारा शो हो गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो x by y है, और x by y का मतलब x is equal to y, vy, इसलिए पुट करते हैं, इसका मतलब x by y को हम v पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, दिस इंप्लाइज गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए हम इसको कहेंगे ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो हो गया हमारा सेकंड मेथड शो करने का। और पहला मेथड क्या था, पहले मेथड से अगर हम इसको होमोजेनियस दिखाएंगे, इसको एफ एक्स वाई माना, वही एक्स को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा एक्स से, और वाई को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा वाई से, तो ई रेज द पावर लैम्डा एक्स बाई लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स बाई लैम्डा वाई माइनस वन, वन प्लस ई रेज द पावर लैम्डा एक्स बाई लैम्डा वाई। तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, ऊपर भी कट जाएगा, ई रेज द पावर एक्स बाई वाई, तो यहां पर एक्स बाई वाई माइनस वन, 1 प्लस e रेज द पावर x बाई वाई, लैम्डा से लैम्डा कट गया, दोबारा वही फंक्शन आ गया fx y, अ फंक्शन ऑफ x एंड y। और यहां पे आप लैम्डा की यहां पे 1 समझ सकते हैं, लैम्डा की 0 लगा सकते हैं, क्योंकि लैम्डा की 0 1 ही होता है, ठीक है, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 तो 1 ही होता है। तो ये फंक्शन दिखा दिया हमने, होमोजेनियस फंक्शन है 0 डिग्री का, दिस इंप्लाइज गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको रब कर दें, दिस इंप्लाइज गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस। जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारा आ गया अ फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई। यहां तक अगर सेकेंड मेथड से प्रूव करना चाहें तो यहां पे हमारी प्रूव हो जाती है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट हम सभी क्वेश्चंस को फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया था होमोजेनियस शो करने का, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसी मेथड से हमने किया है। अब पुट एस इज इक्वल टू वी वाई, जैसे कि मैंने बताया था डीएक्स बाई डी वाई एफ एक्स वाई, अगर इस टाइप की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यानी कि कहने का मतलब है एक्स बाई वाई को हम क्या पुट कर रहे हैं, वी, और एक्स बाई वाई में है, तो दिस इंप्लाइज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, दिस इंप्लाइज dx by dy, क्योंकि देखिए यहां पे dx by dy है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, y का 1, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, पुट वैल्यूज ऑफ x एंड dx by dy इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो दिस इंप्लाइज v प्लस y dv by dy इज इक्वल टू e रेज द पावर s बाई वाई, यानी कि x बाई वाई क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, तो v माइनस वन, वन प्लस e रेज द पावर v, तो दिस इंप्लाइज v को उधर लेके जाएंगे, y dv बाई डी वाई इज इक्वल टू e, मल्टीप्लाई कर देते हैं, v e रेज द पावर v माइनस e रेज द पावर v, वन प्लस e रेज द पावर v माइनस v, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो दिस इंप्लाइज y इंटू dv बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये बना हमारा v इंटू e रेज द पावर v माइनस ev
एलसीएम 1 प्लस ई रेज द पावर वी माइनस वी माइनस वी इंटू ई रेज द पावर वी, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो गया हमारा कैंसिल। तो दिस इंप्लाइज वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये बचा हमारे पास, ये हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गई। वहां पे जब हम पुट वाई इक्वल टू वी एक्स करते थे तो हमारे वेरिएबल बनते थे वी और एक्स, यहां पे आएंगे वी और वाई। तो इसको हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वेरिएबल्स आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, दिस इंप्लाइज वहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेज द पावर वी प्लस वी वन प्लस ई रेज द पावर वी। वेरिएबल सेपरेबल, इधर v की टर्म्स आ जाएंगी v प्लस ई रेज द पावर v माइनस डी वाई बाई वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यहां पे dv भी है, दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई वाई डी वाई। देखिए v प्लस ई की पावर v को t पुट कर देंगे, नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव बन रहा है, v का डेरिवेटिव 1, e की पावर v का e की पावर v, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट log mod v प्लस e रेज द पावर v आ गया। पुट करना चाहिए आप पुट करके दिखा सकते हैं t, अदरवाइज f डैश x बाई एफ एक्स, log एफ एक्स की इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस log mod y प्लस log mod c। तो दिस इंप्लाइज log v की वैल्यू y बाई एक्स, सॉरी v यहां से निकालेंगे तो x बाई वाई होगा, वहां पे दूसरी जो हमारी फर्स्ट टाइप थी उसमें होता था v x y बाई एक्स, तो यहां पे x बाई वाई प्लस e रेज द पावर x बाई वाई इज इक्वल टू log m बाई एन। दिस इंप्लाइज दोनों तरफ log है x बाई वाई प्लस e रेज द पावर x बाई वाई इज इक्वल टू c बाई वाई, y हमारा एलसीएम आ गया, तो दिस इंप्लाइज इसके नीचे वन समझ सकते हैं x प्लस वाई ई रेज द पावर x बाई वाई डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू c बाई वाई, y से y कैंसल, तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई ई रेज द पावर x बाई वाई इज इक्वल टू c, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन।